अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज का हमारा टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो फोर्सेस हैं वो ज़्यादा वीक स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वीक होती हैं। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट तरीके से पाई जाएंगी, हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो आप कह सकते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच आर फाउंड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स दैट अट्रैक्ट देम टुवर्ड्स ईच अदर। अब जो हमारे पास एक एग्जांपल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, वो है HCl, आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब जो HCl है, आप देखो ये एक मॉलिक्यूल है HCl का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है HCl का। ठीक है, इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये डॉटेड लाइट से शो हुई हुई है, इनको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ऐसी फोर्स जो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखे, उससे आप कहते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड बना है वो केमिकल बॉन्ड कहलाएगा, और जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेस होंगी वो होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब आपको एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होगी उसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। अगर आपने ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का बॉन्ड ब्रेक करना है HCl के अंदर, तो आपको 17 किलो जौल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। लेकिन अगर आपने केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करना है जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के अंदर में आन में है, तो आपको 430 किलो जौल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू केमिकल बॉन्ड। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की आगे से टाइप्स हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस ऐसी फोर्स होती हैं, ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में पाई जाती हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स आप लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से चार्ज डिवेलप हो जाता है, जितना HCl के दरमियान में डिवेलप हुआ हुआ है। हाइड्रोजन के ऊपर आप देख रहे हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इसकी वजह से इसके दरमियान में पोलैरिटी क्रिएट हो गई है, और इसके दरमियान जो ये फोर्स है इससे आपको हो गए डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं आप उन्हें कलेक्टिवली वैंडर वाल फोर्सेस कहते हो, और वो इलेक्ट्रिकल इन नेचर होती हैं। दे रिजल्ट फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिट चार्जेस एंड मे बी टेम्प्रेरी और परमानेंट। ऑपोजिट चार्जेस की वजह से ये वजूद में आती हैं, और ये आरजी भी हो सकती हैं और मुस्तकिल भी हो सकती हैं, यानी कि परमानेंट भी हो सकती, टेम्प्रेरी भी हो सकती हैं और परमानेंट भी हो सकती हैं। अब ऐसा बॉन्ड जो कि अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम बनता है, तो जो स्लाइटली पॉजिटिव एंड होता है वो क्रिएट होता है, और एक स्लाइटली नेगेटिव एंड क्रिएट हो जाता है, जिसको आप पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस कहते हैं। और इसके नतीजे में जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ जाएगा। आपने लास्ट में पढ़ा कि पोलैरिटी की वजह से इन दोनों के दरमियान ये एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है। अब पोलैरिटी क्रिएट हो गई है, चार्जेस क्रिएट हो गए हैं, तो ये जो बॉन्ड है ना ये थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ ज़्यादा होगा, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये हाइड्रोजन से थोड़ा सा दूर होगा इसलिए पॉजिटिव है। देखो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन है, इनका दोनों का इलेक्ट्रॉन तो दरमियान में होना चाहिए ना सुलन, लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ होता है, इसलिए पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे दोबारा से उन्होंने आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन की, यानी कि HCl की एग्जाम्पल दे के पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज के बारे में दोबारा बताया होगा। जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट एट डिफरेंट पोजीशन इन अ मॉलिक्यूल, द एडजेसेंट मॉलिक्यूल विल अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे दैट नेगेटिव एंड ऑफ द मॉलिक्यूल कम्स नियर टू द पॉजिटिव एंड, एंड द अदर एंड ऑफ द मॉलिक्यूल रिजल्ट्स इन द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपोजिटली चार्ज एंड्स ऑफ द टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल। वो कह रहे हैं कि जब आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं HCl के, तो क्या होगा, जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज के करीब आ जाएगा। उनके करीब आने से ऑपोजिट चार्जेस है ना, तो ऑपोजिट चार्जेस के करीब आने से एक फोर्स डिवेलप होगी, वो फोर्स जो डिवेलप होगी उसे आप कहते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस,
और जो फोर्स ये पोल्स पोलैरिटी क्रिएट हो गई है ना, ये पोलर मॉलिक्यूल है एक, तो पोलर मॉलिक्यूल जब होता है तो जब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आते हैं तो आप कहते हो पोलैरिटी क्रिएट हो गई है। जब पोलैरिटी क्रिएट हो गई है तो पोलैरिटी क्रिएट होने की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसकी वजह से इनके दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप कहते हो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस वो होती हैं जो एक पोलर कंपाउंड के अंदर पाई जाती हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान में मौजूद होती हैं।